नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास सिक्स की साइंस का डिस्कशन, सेकंड चैप्टर डिस्कशन करूंगा, कंपोनेंट ऑफ फूड। एनसीईआरटी बुक का ये डिस्कशन है। चलिए शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने चैप्टर नंबर वन में पढ़ा था कि फूड हमें कहाँ से मिलता है। अब ये हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कंपोनेंट मतलब घटक और फूड मतलब भोजन। भोजन के कौन कौन से घटक रहते हैं, किन किन फूड से हमें एनर्जी मिलती है, किन से कौन सा फूड रहता है जो हमारे हमारे हमें बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है, इस चैप्टर में इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। पहला, अगर चैप्टर आपने नहीं देखा है फूड का, तो उसको देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। अब यहाँ पर हम लोग सेकेंड चैप्टर डिस्कशन करेंगे। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि फूड रहता है, फूड के बाद आता है हमारा इंग्रेडिएंट, और इंग्रेडिएंट के बाद हमारा आता है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट रहता है तो न्यूट्रिएंट में मुख्य क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स रहते हैं, डाइट्री फाइबर भी रहते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे यहाँ पे इसी जो मैंने बताया है, इसी सब के बारे में बताया गया पिछले चैप्टर में, कि जैसे नॉर्थ की तरफ अलग खाना बनता है और साउथ जो हमारे स्टेट हैं वहाँ पे अलग खाना बनता है। तो ये टेबल हैं डिफरेंस स्टेट और रीजन का। जैसे पंजाब का फेमस क्या है, मक्की की रोटी और सरों का साग रहता है इसमें, लेकिन राजमा दिया गया है और मीट दिया गया है, और वेजिटेबल्स में सरसों का साग ही दिया गया है। और अदर में क्या क्या रहता है, कर्ड और घी लेते हैं ये लोग। और आंध्र प्रदेश में राइस, तुअर दाल और रसम, चारू और कंडारू और बटर मिल्क रहता है, घी रहता है। इसी तरह अलग अलग स्टेट का अलग अलग खाना रहता है, ये इसमें दिखाया गया है। आइटम ऑफ ग्रेन्स में ये आएगा कि जैसे हमारे खाने में हमेशा दाल या दाल नहीं चावल रहेगा, या तो वीट रहेगा, गेहूं का आटा, या तो वीट और चावल कंपलसरी रहेगा आइटम ऑफ ग्रेन में। और आइटम ऑफ दाल या मीट में दाल रहेगा या तो मीट रहेगा। वेजिटेबल में सब्जियां रहेंगी, और अदर में हमारा जो एक्स्ट्रा रहेगा कि जैसे कर्ड, घी, बटर मिल्क, ये सब रहेगा। अब आगे यहाँ पे दिखाया गया है कि जो कंपोनेंट रहते हैं हमारे लिए ज़रूरी रहते हैं, उन्हीं इंग्रेडिएंट जो न्यूट्रिएंट रहते हैं उसमें मुख्यतः क्या क्या, जैसे मैंने आपको बताया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये यहाँ पे है, मिनरल्स, इन एडिशन फूड कंटेन डाइट्री फाइबर एंड वाटर आल्सो नीडेड आवर बॉडी। इन पांचों के अलावा डाइट्री फाइबर और पानी भी हमारे लिए ज़रूरी रहता है। अब कैसे पता करेंगे कि कौन से खाने में क्या है, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए जैसे आलू लिया हमने, हमको कैसे पता लगेगा कि ये इसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, या प्रोटीन है, या मिनरल है, या विटामिन है। तो हम तीन टेस्ट करेंगे। एक में हम लोग पता करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में रहता है, कैसे पता करेंगे, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट कहेंगे। दूसरा फैट का, तीसरा प्रोटीन का। इन तीनों का टेस्ट सिंपल है, तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम पहला शुरू करते हैं। ये उसके लिए हमको पहले ये सॉल्यूशन चाहिए। जैसे ये कॉर्नर पे है, यहाँ पे दिया गया है डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। अगर आपके पास नहीं है सॉल्यूशन आयोडीन का तो कैसे बनाएंगे, इसमें लिखा हुआ है कि फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन टेस्ट हाफ फिल्ड विद वाटर, टेस्ट ट्यूब में आधा
वाटर फिल करके उसमें कुछ ड्रॉप आयोडीन की डाल देंगे तो हमारा आयोडीन सॉल्यूशन, डिल्यूट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अगर नहीं है तो कैसे बनाएंगे? 2 ग्राम का कॉपर सल्फेट 100 मिलीलीटर पानी में डालकर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। और 10 ग्राम कास्टिक सोडा को घोल देंगे किसमें? 100 ml वाटर में, और कास्टिक सोडा सोडा का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब चलिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं और इसमें क्या क्या हमें चाहिए ये देखेंगे। अब पहला टेस्ट दिया हुआ है कि टेस्ट फॉर स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च रहता है और शुगर रहता है इसमें लिखा हुआ है। अब टेस्ट फॉर स्टार्च में क्या रहेगा? टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम राम इंग्रेडिएंट, उसमें जो हम एक लेंगे, जैसे इन्होंने यहाँ पे पोटैटो लिया हुआ है आलू, उस पर 2-3 ड्रॉप डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन गिरा दी गई। ऑब्जर्व किया कि उसका कलर ब्लू और ब्लैक में चेंज हुआ है कि नहीं। आप लोग भी घर पर कर सकते हैं, लेकिन आप किसी केमिकल को चखना आपको नहीं है, और ये टेस्ट आपको किसी टीचर या अपने पेरेंट्स की उपस्थिति में करना है। अब जैसे इन्होंने आलू लिया पोटैटो, उस पे आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डाली तो देखेंगे कि इसका कलर ब्लू और ब्लैक हुआ। अगर ब्लू और ब्लैक हुआ तो इसका मतलब इसमें ये कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट है हमारा। आशा करता हूँ ये कार्बोहाइड्रेट टेस्ट पता लग गया होगा। दूसरा हम करेंगे टेस्ट है टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम टेस्टिंग। इसको क्या करना है? अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसको हम पहले पेस्ट बनाएंगे या तो पाउडर बनाएंगे ग्राइंड करके और मैश करके। इस पे क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब में जो हम सॉलिड या पेस्ट जो बना कर रहेंगे टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, उसके बाद 10 ड्रॉप्स इसमें, जैसे ये हमारा कंटेनर है, इसमें हमने जो फूड या रॉ मटेरियल डाल दिया, उसके बाद इसमें हम लोग वाटर डाल देंगे। वाटर डालने के बाद इसको हम लोग शेक कर देंगे, हिला देंगे पूरी टेस्ट ट्यूब को। उसके बाद क्या करना है हमको? कॉपर सल्फेट की 10 ड्रॉप और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा इसमें डालना है। कॉस्टिक सोडा डालने के बाद शेक वेल एंड लेट, इसको हम लोग हिलाएंगे अच्छी तरह से, और कुछ मिनट बाद देखेंगे कि उसका रंग वॉयलेट हो गया है। अगर वॉयलेट हो गया है तो इसका मतलब ये हमारी जो आइटम फूड आइटम है इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये टेबल दिया गया है, इसमें जैसे इन्होंने पहले स्टार्च कार्बोहाइड्रेट चेक करने के लिए रॉ मटेरियल पोटैटो लिया था आलू, और मिल्क को क्या प्रोटीन के लिए टेस्ट किया, और ग्राउंड नट को फैट के लिए चेक किया। आशा करता हूँ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे ये टेबल में आप लोग अपने आप से फिल करिएगा, और टेस्ट आप लोग अपने पेरेंट्स या टीचर की प्रेजेंस में करिएगा, और कोई भी केमिकल आप लोग चखेंगे नहीं। अब टेस्ट फॉर फूड फैट देखते हैं। इसमें ये तो बहुत इजी है, ये लोग तो आप वैसे भी कर सकते हैं। जैसे ग्राउंड नट ले लिया, तो जैसे मूंगफली के दाने ही ले लिए, तो उसको आप क्या करेंगे, एक कागज़ में लेके उसको फोल्ड कर देंगे दानों को, और रैप कर देंगे पूरा। रैप करने के बाद आप किसी भारी चीज़ से उस पर या किसी चीज़ से मारिएगा उस पर कागज़ पे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा देखेंगे आप, जब वो छोटा क्रश हो जाएगा तो आपके पेपर पे ऑयल लग जाएगा। अगर ऑयल आपके पेपर पे आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब उसमें फैट प्रेजेंट है। कुछ ऐसे भी रहते हैं कि जैसे उसमें वाटर का प्रेजेंस रहता है, तो वाटर का प्रेजेंस चेक कर पता करना है कि वाटर की वजह से ये हमारा शाइन हो रहा है कि ऑयल की वजह से, तो हम लोग उसको थोड़ी देर के लिए सनलाइट में सुखा लेंगे, उसके बाद वाटर
अगर वहाँ से गायब हो जाता है, अगर आपका जो कागज़ पे है ऑयल लगा आपको दिखाई पड़ता है, तो इसका मतलब उसमें फैट प्रेजेंट है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, तीनों टेस्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए ये देखिए, यहाँ पे देखिए कि सोर्स हैं जो वो कौन कौन से हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या क्या है आप लोग लर्न कर लीजिएगा कि जैसे पोटैटो, शुगर केन, पपाया, ये जो फिगर हैं ये सभी हमारे सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट। आप लोग लिस्ट बनाइएगा कार्बोहाइड्रेट के कौन से सोर्स हैं और प्रोटीन के कौन से हैं और फैट के कौन से सोर्स हैं। पहले ए फिगर में दिया गया था कि जो हमें प्लांट से मिलता है वो दिखाया गया था कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, और सेकंड फिगर में है ये एनिमल सोर्स है, जैसे फिश, एग्स, मीट, ये सब हमारा एनिमल सोर्स है। ये सोर्स जो हैं हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे एक और दिया गया है कि विटामिन और मिनरल का टेस्ट टफ है, तो इसमें नहीं दिखाया गया है, इस चैप्टर में नहीं डिस्कस किया गया है और ना ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ये हायर क्लास में रहता है। अब ये इसमें बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड, हमें कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा तो फैट से भी मिलती है। प्रोटीन से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन से हमें हमारा जो सेल रहता है उसको सेल्स को रिपेयर करने में सहायता प्रोटीन करता है, और बॉडी को मेंटेन भी प्रोटीन ही करता है। अब यहाँ पे सोर्स, प्रोटीन का सोर्स देखिए कहाँ कहाँ से। पहला फिगर है ये, दालों से में सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहता है, और उसके बाद ये सेकंड फिगर है बी, जो एनिमल से सोर्सेस है वो मिला हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोटीन आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि ऊर्जा को बॉडी को बनाने में या सेल को रिपेयर करने में ये हमारी सहायता करता है। और विटामिन क्या करता है, विटामिन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज़, हमें जो विटामिन से बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है। और विटामिन जो है आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स को हेल्थी रखता है। विटामिन जो हैं ये दिए गए हैं, विटामिन ए, सी, डी, विटामिन ई के और विटामिन बी कम्प्लेक्स, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, विटामिन ए कीप्स स्किन आइज हेल्थी, विटामिन ए जो है हमारी स्किन और आँखों को हेल्थी रखता है। विटामिन सी फाइट अगेंस्ट डिजीज़, ये हमें बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है। विटामिन डी हमें बोन्स और टीथ को मजबूत करने में सहायता करता है। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है विटामिन ए का, पपाया, कैरेट, मैंगो, और कुछ ये उदाहरण हैं विटामिन बी का, जैसे क्या है, ग्रीन चिल्ली, लेमन, आंवला। ये भी विटामिन डी का जो सोर्स है वो है मिल्क, अंडा, मछली, ये सब विटामिन डी का सोर्स है। आप लोग कॉपी में एक टेबल बनाइएगा, उसमें सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का टेबल बनाइए, किस किस चीज़ से हमें क्या मिलता है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो सब में सिमिलर है, कि जैसे अंडा है यहाँ पे भी है विटामिन डी में भी और ऊपर प्रोटीन में था, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें लगभग कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन मिनरल सब रहता है, लिस्ट आप लोग बनाइएगा ज़रूर। और यहाँ पे ये दिखाया गया है कि विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से भी मिलती है। फूड यहाँ पे आगे इस पैराग्राफ में दिखाया गया है कि फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, यही जो मैंने बताया है वही इसमें लिखा गया है कि एक फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट हो सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट, इसमें बहुत कार्बोहाइड्रेट रहता है राइस में। आगे है डाइट्री फाइबर। डाइट्री फाइबर, डाइट्री से क्या समझ में आ रहा है, डाइजेशन यानी कि पाचन क्रिया में जो फूड हमारे लिए सहायता करता है। और वाटर हमारा क्या करता है, हमारे जो गंदे पदार्थ हैं उनको बाहर निकालता है, जैसे यूरिन के थ्रू और पसीना आता है उसके थ्रू हमारा वाटर जो है गंदे पदार्थों को निकालता है। और डाइट्री फाइबर क्या करता है, हमारा भोजन को पचाने में सहायता करता है। और इसको डाइट्री फाइबर को रफेज भी कहते हैं। ये डाइट्री फाइबर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, पल्सिस से, पोटैटोस, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल से मिलता है। अब ये हमारे कुछ सोर्स हैं मिनरल के। मिनरल्स जो हैं ये भी हमारे लिए ज़रूरी हैं, जैसे आयोडीन है, मिल्क है, आयरन है, कहाँ कहाँ से मिलता है ये इसमें दिखाया गया है। ये आगे लिखा हुआ है कि वाटर हेल्प आवर बॉडी अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, ये हमारा वेस्ट निकालने के लिए मेनली काम करता है जो वाटर है। पसीना, स्वीट और यूरिन के माध्यम से हमारा वेस्ट शरीर का निकाला जाता है पानी की सहायता से। यहाँ पे बताया गया है एक्टिविटी 3 में कि कुछ टमाटर और लेमन फ्रूट लीजिएगा, उसमें मेनली इसमें यही बताया गया है कि जो पानी तो हम ऐसे भी पीते हैं, और जैसे फ्रूट और लेमन में भी और सब्जियों में भी पानी रहता है। यही इन्होंने बताया है कि फ्रूट को हम लोग अगर नाइफ़ से काटेंगे तो हमारे हैंड जो हैं वेट हो जाएंगे, इससे हमें पता लगेगा कि इसमें भी वाटर का प्रेजेंस है जो हमने सब्जी या फ्रूट काटा है, यही इसमें बताया गया है। आगे बैलेंस डाइट देखिए। बैलेंस डाइट में क्या होता है कि बैलेंस डाइट में हमको ये रहना है कि राइट डाइट जो राइट क्वांटिटी में राइट फूड लेना है। जैसे कि आप लोग फैट ही कंटिन्यू नहीं खा सकते हैं, ना ही कंटिन्यू कार्बोहाइड्रेट, ना ही कंटिन्यू प्रोटीन, इन सबको मिक्स करके आपको खाना है बैलेंस बना के। वही इसी को क्या कहेंगे, बैलेंस्ड डाइट कहेंगे। ना टू मच, टू मतलब सबसे खूब ज़्यादा भी नहीं खाना है किसी चीज़ को, और खूब कम भी नहीं खाना है। तो इसी यही है बैलेंस डाइट हमारा। ये इसमें दिखाया गया है व्हाट वी नीड फॉर बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ फिज़िकल वर्क। जी हाँ, जो बैलेंस डाइट है वो हमारे फिज़िकल वर्क के ऊपर रहती है। जैसे कुछ लोग काफ़ी काम करते हैं तो उनको डाइट की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, किनके मुकाबले जो लोग कम काम करते हैं, जो कम काम करते हैं उनको कम डाइट चाहिए, जो ज़्यादा उनको ज़्यादा डाइट की ज़रूरत पड़ती है। पल्सिस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, फर्मेंटेड फूड, कम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स, ये सब हमारा अदर सच न्यूट्रिएंट, देयर आर वन कैन ईट बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड। यहाँ पे आगे बताया गया है कि प्रॉपरली हमको कुक फूड को कुक भी करना है। और कुछ न्यूट्रिएंट हमारे, ये न्यूट्रिएंट आर नॉट लूस्ड, कुछ न्यूट्रिएंट हमारे लॉस होते हैं कब, जब हम खाना बनाते हैं। जैसे विटामिन सी को गर्म करने से उसका जो विटामिन सी का न्यूट्रिएंट रहता है वो गर्म करने से लॉस हो जाता है। अगर कुछ जैसे ये वेजिटेबल और फ्लूड वाश करने पर उनका न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाता है और कुछ विटामिन लूज़ हो जाते हैं। यहाँ पे वही चीज़ दिखाया गया है कि वाशिंग ऑफ राइस पल्सिस, कुछ मिनरल और विटामिन हमारे नष्ट हो जाते हैं। और
खाना हम किस लिए पकाते हैं? हमारे टेस्ट के लिए और इजीली डाइजेस्ट हो, इसलिए खाना को कुकिंग करते हैं या पकाते हैं। विटामिन सी इसमें बताया गया है कि कुकिंग के ड्यूरेशन में नष्ट हो जाता है। अब ये आगे वही बताया गया है कि बूझो जो है जानना चाह रहे हैं कि हमें पता है कि फैट से हमें एनर्जी मिलती है, तो हम एनर्जी लेने के लिए लगातार ही फैट कंटिन्यू खाएं, ऐसा बूझो पूछ रहे हैं। तो आगे यहाँ पे इन्होंने आंसर दिया गया है कि नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है कि एक ही चीज़ को हम लोग कंटिन्यू नहीं खाएंगे। नहीं तो जैसे फैट का ये कह रहे हैं कि मलाई रबड़ी स्वीट्स पूड़ी समोसा ये खूब खाएं, ये सब क्या हैं, इन सब में फैट रहता है, तो अगर हम कंटिन्यू इसे खाएंगे तो हार्मफुल हमारे लिए रहेगी और ओबेसिटी यानी कि मोटापा आ जाएगा हमारे। आगे है डेफिशिएंसी, पहले तो हमें खूब मतलब ज़्यादा बैलेंस डाइट खानी है, खूब ज़्यादा नहीं खाना है, खूब ज़्यादा खाने से मोटापा बढ़ सकता है और भी अदर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे है डेफिशिएंसी डिसीज़, यानी कि हम अगर कम खाना खाएंगे, बैलेंस खाना नहीं खाएंगे, तो हमें कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाएंगी। डेफिशिएंसी मतलब कमी, डेफिशिएंसी डिसीज़ मतलब न्यूट्रिएंट की कमी से जो हमारे बीमारियाँ हुई हैं उनको डेफिशिएंसी डिसीज़ कहेंगे। अब यहाँ पे लिखा गया है इफ़ पर्सन डज नॉट ईट एनफ प्रोटीन इन हिज फूड फॉर लॉन्ग टाइम, अगर लॉन्ग टाइम के लिए प्रोटीन ही वो नहीं खा रहा है, मतलब लंबे समय तक वो प्रोटीन नहीं ले रहा है अपनी डाइट में, तो उसको क्या होगा, स्टंट ग्रोथ, स्वेलिंग, चेहरा सूज जाएगा और हेयर का कलर जो है वो सफ़ेद हो जाएगा या डिसकलरेशन लिखा हुआ है, और स्किन डिजीज और डायहरिया यानी कि लूज मोशन लग जाएंगे। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हमें कौन कौन सी डिसीज़ हुई है, जैसे स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिसीज और डायहरिया, दस्त लग गए हैं, लूज मोशन लग जाते हैं। सॉरी, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे या कौन कौन सी हानि होगी, जैसे वो पतला रहेगा जो लंबे समय से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा है, वो पतला रहेगा और उसको मूव करने में भी काफ़ी दिक्कत होगी, और मिनरल और विटामिन ना लेने से क्या होगा, ये आगे हम टेबल में देखते हैं क्या होगा। जैसे विटामिन ए एक डेफिशिएंसी से क्या होगा, लॉस ऑफ विजन, पुअर विजन, सिम्पटम क्या आएंगे उसके, और डिफिशियंसी क्या होगी, डिसऑर्डर क्या होगा। विटामिन ए जैसे लिखा हुआ है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधराता जिसको कहते हैं, सम टाइम मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कुछ भी दिखाई नहीं देगा उसको। विटामिन बी वन से की कमी से बेरी बेरी वीक मसल उसकी वीक हो जाती हैं और उसमें बहुत एनर्जी कम रहती है, थोड़ा सा वो काम करेगा तो उसको हाथ पैर दर्द करने लगेगा उसका, जिसको ये डिजीज़ हुई है। विटामिन सी स्कर्वी, इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग कम, मसूड़ों से खून निकलना, फाउंड टेक लॉन्गर, जो जख्म है हमारा हुआ रहता है शरीर पर कोई, जैसे कट लगा हुआ है तो वो घाव भरने में काफ़ी टाइम लेगा विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी रिकेट्स हो जाएगा, बोन जो हमारी हड्डी है वो सॉफ्ट हो जाएगी और इजीली बेंट या कहीं ज़्यादा जोर पड़ने पर टूट भी सकती है। कैल्शियम की कमी से बोन और टीथ में डिके आएगा, यानी कि डिके होता रहेगा, वो वीक बोन्स हो जाएंगी और टूथ डिके हो जाएगा, यही लिखा है।
आयोडीन की कमी से क्या होगा, गोइटर ग्लैंड इन नेक, यहाँ पे मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाएगी बच्चों में। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाएगा और वीकनेस आ जाएगी, इसलिए हमें प्रॉपर वे में प्रॉपर डाइट लेनी है। आगे ये हमारा दिया गया है पहला कीवर्ड्स, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसको कहते हैं कि हमारा राइट कंपोनेंट राइट मैनर में लेना है, ये मतलब प्रॉपर वे में फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिनरल सब हमको एक साथ प्रॉपर वे में लेना है बैलेंस करके। बेरी बेरी एक रोग है जो कि विटामिन बी की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी से आगे है एनर्जी, एनर्जी से हमें चलने फिरने में और हमारे अंग जो हैं एनर्जी से ही काम करते हैं। फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है, मिनरल से हमें क्या मिलता है, मिनरल जो हैं हमारे लिए लाभदायक हैं ये भी। न्यूट्रिएंट जो है, जैसे न्यूट्रिएंट पांच न्यूट्रिएंट हैं मेनली, प्रोटीन से हमें सेल रिपेयर करने में और बॉडी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। रफेज क्या है, जो हमारा रफेज कहाँ से मिलता है, रफेज हमें पालक से, इन्हीं सब चीज़ों से, पालक से पोटैटो से मिलता है जी, जो कि डाइट्री फाइबर जिसको हम लोग कहते हैं। मिनरल किससे मिलता है, जैसे आयोडीन फास्फोरस ये सब हमारा मिनरल है। स्कर्वी एक रोग है जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट रहता है। विटामिन हमें बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है। आगे हम समरी में देखते हैं क्या क्या है। मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे मुख्य न्यूट्रिएंट हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन एंड मिनरल। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमें ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन और मिनरल से हमारी ग्रोथ को मेंटेन करता है और बॉडी को विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग, अगेन विटामिन से हमें बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है। बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट, सभी जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को ज़रूरत हैं इन राइट क्वांटिटी में लेना ही बैलेंस डाइट कहलाता है। डिफिशेंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट इन फूड लॉन्ग टाइम में कॉज, अगर कोई न्यूट्रिएंट की लंबे समय तक कमी रहेगी तो हमें सर्टेन डिसीज़ और डिसऑर्डर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।